इसे ओपन कर लें यहाँ से और चले जाएँ अपने यहाँ पे थ्री डॉट्स में लाइनिंग में, ठीक है, क्लिक करें और आपको सबसे नीचे यहाँ पे आना है। सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग का, ओके। अभी सेटिंग पे चले जाएँ यहाँ से, फिर देखिए आपको सबसे ऊपर में देखने को मिल रहा होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे नेम, यानी कि आप चाहे तो अपना अकाउंट का नेम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। चलिए चलते हैं यहाँ से हम लोग बैक, और इसी में आपको नेक्स्ट मिलता है यहाँ पे, इसी में देखिए नीचे और भी रहता है, ओके। देखिए इसी में आपका ईमेल एड्रेस, यानी कि आप यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस को भी चेंज कर सकते हैं, अपना किसी फ़ोन नंबर को ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ओके। और देखिए यहाँ पे और एक चीज़ है कि देखिए यहाँ पे लिखा है प्राइवेसी, यानी कि क्या आप चाहते हैं कि आपका ईमेल आईडी कोई भी ना देख पाए, तो आप यहाँ एडिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको वहाँ से देखने को मिलेगा ओनली में बस आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स यानी कि बस आपके दोस्त देख पाएंगे, पब्लिक में सबको देख पाएगा, ठीक है। इसलिए इसको अभी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर आता है फ़ोन नंबर, यानी कि आप अपने मोबाइल नंबर को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। यहाँ देखिए रिमूव का ऑप्शन दिया हुआ है, साथ ही आप किसी और मोबाइल नंबर को यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, ओके। चलिए चलते हैं बैक और भी कुछ सेटिंग के बारे जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा, यहाँ पे आता है हमारा मैनेज अकाउंट, यानी कि देखिए यहाँ से आप अपने अकाउंट को बंद भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। जिस तरह मान लें आपको अकाउंट यूज़ नहीं करना है तो अपने अकाउंट को बंद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको अगर आप उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं फिर से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, ओके। चलिए हम चलते हैं बैक और नीचे इसी में देखिए आपको और भी कुछ इसमें ऑप्शन है। यहाँ पे सारा कंप्लीट हो गया हमारा ऑप्शन, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में और जानते हैं इसके फॉन्ट साइज के बारे में। देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिख रहा है स्मॉल मीडियम सा लार्ज, यानी कि आप यहाँ से भी किसी को भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने फॉन्ट को और भी बड़ा करके देख सकते हैं, छोटा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें हमारा इंपॉर्टेंट जो क्या था सिक्योरिटी एंड लॉगिन के अंदर, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चेंज पासवर्ड, यानी कि आप यहाँ से अपना पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर में क्या करना है, आपको डालना है ओल्ड पासवर्ड जो कि करंट में आपको पासवर्ड है, इसको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आपको डालना न्यू पासवर्ड जो कि आप न्यू रखना चाहते हैं, और न्यू पासवर्ड को ही आपको यहाँ पे एंटर कर देना जिसके वो वेरीफाई हो जाएगा, ओके। चलिए चलते हैं बैक और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट यहाँ पे वैसा इंपॉर्टेंट वैसा यहाँ पर नहीं है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में और जानते हैं उसके बारे में। और नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आता है प्राइवेसी सेटिंग। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, यानी कि आप जो पोस्ट कुछ भी अप्लाई अपलोड करते हो वीडियो वगैरह उसको कौन कौन देख सकता है, पब्लिक, फ्रेंड्स या तो फ्रेंड एक्सेप्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से लिस्ट कुछ खुल के आएगा, तो आपके जो फ्रेंड लिस्ट में है वही सब इसको देख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर आता है हु कैन सी द पीपल पेज एंड लिस्टेस यू फॉलो, यानी कि आप किसको किसको फॉलो करते हो, ये सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि आप किसको फॉलो करते हो, किस पेज को लाइक किए हुए, उन सबको आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ से। आप चाहते हो कि कोई भी ना देख पाए तो आप सिंपल यहाँ पे चले जाएं सी मोर में और चाहे पे उसको यहाँ पे ओनली में कर लीजिएगा, ओके। उसमें क्या होगा आप कुछ भी किसी भी पेज को फॉलो करते होंगे उस सबको आपको कोई देख नहीं पाएगा, ओके। यानी इसको बोल सकते हो प्राइवेसी के लिए एक है, ठीक है, प्राइवेसी सेटिंग है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें हु कैन सी योर स्टोरीज, जिस तरह आप फेसबुक पे अपलोड करते हो अपने स्टोरी को शेयर करते हो उसको भी यहाँ पे दिया गया है चेंज करने का। आप चाहे तो उसको फ्रेंड्स वगैरह में, पब्लिक में, सी ऑल स्टोरी सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको और भी सेटिंग आप कर सकते हो स्टोरी प्राइवेसी वगैरह का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे तो नेक्स्ट सेटिंग हमारा आता है हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, यानी कि आपको कौन कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। जिस तरह देखिए ऊपर में लिखा है एवरीवन, यानी कि आपको कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, इसका मतलब इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स। जिस तरह आप देखते हैं कभी सर्च वगैरह करते होंगे तो आप लिखा आता है म्यूचुअल फ्रेंड्स, ठीक है, यानी कि आपको फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स हैं वो सभी आपको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते हैं, ओके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, ओके, जिसमें एवरी वन कर देते हैं ये तो कोई सेंड नहीं कर पाएगा। हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, यानी कि आपका फ्रेंड लिस्ट को कौन कौन देख सकता है, यानी मान लेते हैं आपके पास 2000 आपके दोस्त थे फेसबुक पे, तो उन सभी दोस्तों को आप चाहते हैं क्या सबको देख पाए या ना देख पाए, उसके लिए फीचर दिया गया है। यहाँ से जैसे आप इसको पब्लिक में क्लिक करेंगे तो आपका फ्रेंड लिस्ट को सबको देख सकता है, ओके। तो आपको जो सूटेबल लगे यहाँ से उसको सेट कर लीजिएगा। चलते आगे बढ़ते हैं इसी में और देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखा जाए तो हाँ यहाँ पे आता है एक, देखिए हु कैन लुक यू अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड, यानी कि आपने कुछ ईमेल आईडी दिया हुआ है उसे कौन कौन देख सकता है, ओके। तो आप यहाँ सेट कर लें इसको भी कि ईमेल आईडी आपका कौन कौन देख सकता है, ओके, एवरीवन, फ्रेंड्स ओनली मी वगैरह।
नेक्स्ट हम बात करें सेटिंग का, तो यहाँ पे आता है हु कैन लुक अप यू यूजिंग द फोन नंबर यू प्रोवाइडेड, यानी कि आपने जो नंबर दिया है उस नंबर को कौन कौन देख सकता है। ओके, इसको भी आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसमें आगे और जानते हैं हु कैन सी योर बर्थडे, यानी कि आपका बर्थडे को कौन कौन देख सकता है वहाँ पे, इसको भी आप सेट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम बात करें हु कैन सी योर बर्थ ईयर, यानी कि आपका बर्थ ईयर कौन कौन वहाँ पे फेसबुक में देख सकता है, उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हु कैन सी योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप इसमें क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आता है एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस कौन कौन देख सकता है, तो यहाँ पे इसको भी सेट कर सकते हैं पब्लिक फ्रेंड्स ओनली में वगैरह। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे डेस्टिनी सूची जो कि हमारा ईमेल आईडी है, इसको कौन कौन देख सकता है, ओके इसे भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट बात करें मोबाइल नंबर का, तो इसे भी सेट कर सकते हैं एज इट इज़। चलते हैं बैक, इसमें और कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट जो कि हमारे काम का हो, मे बी देखते हैं इसमें, इसमें नहीं है। नेक्स्ट हम अगर हम आगे बढ़ें तो इसी में देखते हैं ब्लॉकिंग। देखिए मान लिया आपने किसी को ब्लॉक किया, या मान लिया आपने किसी को ब्लॉक किया है, तो आप उसको यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। देखिए मेरे लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने ब्लॉक किया हुआ है, तो आप इन सभी को यहाँ से अनब्लॉक खुद से कर सकते हैं। ओके, यानी कि इन सभी को आपने ब्लॉक किया था कभी, उसको फिर से उसे अनब्लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, इसमें हमारा आता है और इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट वैसा वैसा कुछ खास इम्पोर्टेंट तो है नहीं। सो, यही था इन्फॉर्मेशन कुछ। इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल है फेसबुक के फीचर्स के बारे में, कि कुछ भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके क्वेश्चन का आपको डेफिनेटली आंसर दिया जाएगा। सो, आई होप यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस जरूर कीजिएगा, तभी आपको आने वाले लेटेस्ट नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।